हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ। ठीक है, यह जो वैकेंसी निकाली गई यह बिहार समस्तीपुर में निकाला गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यह जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में निकाला गया है। ठीक है, अब किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल फी, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होगा, एप्लीकेशन फी क्या होगा, सभी कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एक पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई। क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, पे स्केल भी दिया गया है, एज लिमिट भी दिया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकाली गई है, फिर यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ओके, फिर यहाँ असिस्टेंट कंट्रोलर का है, फिर यहाँ देख सकते हैं अकाउंटेंट की वैकेंसी भी है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की भी वैकेंसी आई है इसमें। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एलडीसी है तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, पे स्केल क्या है, एज लिमिट क्या है, तो देख सकते हैं फिर यहाँ पे आपका सभी कुछ डिटेल में दिया गया है। जैसे कि अगर आप एलडीसी से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ एज लिमिट मतलब मैक्सिमम 30 साल है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10 प्लस 2 पास होना चाहिए, साथ ही आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड जो है 30 WPM होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, प्रोबेशन 2 साल का होना चाहिए। आप देख सकते हैं आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग होगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं इसी में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। ओके, आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने पोस्ट की वैकेंसी है, क्लासिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या तय किया गया, साथ ही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सभी कुछ यहाँ पे बताया गया है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे दिया गया 6 फरवरी को यह इसका जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर है यह निकाला गया था, तो 6 से आप अप्लाई कर सकते थे। कब तक कर सकते हैं, मतलब कि 7 मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन के लिए किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा। ओके, अब फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं फॉर ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तो 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए किसी भी तरह का फी नहीं है। ओके, आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप देखिए फ्रेंड कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने अप्लाई का पेज जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। www.rpcau.ac.in पे आपको जाना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा, सब कुछ करना होगा, यह प्रोसेस बाय प्रोसेस दिया गया है। फिर कैसे कैसे आपको करना होगा, कैटेगरी पर्सन कैसे करना होगा, ठीक है, सभी कुछ यहाँ पे इस एप्लीकेशन में बताया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, इसके रिगार्डिंग कोई और भी आपको क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन मैं आपको जरूर से जरूर अप्लाई करके बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बिहार में है समस्तीपुर जिले से तो और बढ़िया है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एलडीसी आपका अकाउंट्स ये सब में आप मतलब बहुत लोग जो है भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। ठीक